अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने और अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ मसरूफियात की वजह से आज बहुत दिनों के बाद बात हो रही है आप सबके साथ। तो वीडियो का आगाज़ इस खूबसूरत से डहलिया के फ्लावर्स के साथ करते हुए हम अपने टॉपिक पे जाएंगे। तो ये वाला मेरा वही वाला पॉट है जिसमें मैंने सीड्स साफ किए थे, तो वेस्ट समझ के मैंने इसमें डाले थे जो सीड्स, यानी कि जो डहलिया के सीड्स के गिर्द पेटल्स होती हैं उनको मैंने इसमें डाला था। तो उनमें कुछ सीड चले गए, तो देखे माशाल्लाह ये डहलिया के लीव्स की खूबसूरती देखे माशाल्लाह कितना ही प्यारा लग रहा है। और ये शॉकिंग पिंक कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं इस पर, बहुत ही प्यारे और बहुत खूबसूरत से फ्लावर्स के साथ। बात करते हैं अपने टॉपिक पे कि आज मैं आपके साथ डॉग फ्लावर्स के मुतालिक बात करना चाहूँगी। तो चले बात करते हैं। और कुछ आज मैंने गार्डन की सफाई वगैरह करवाई है काफ़ी अच्छे से, क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो बहुत से पत्ते और मट्टी शट्टी इधर उधर पॉट्स के पीछे जमा हो जाती हैं। तो जैसे ही तमाम प्लांट्स को कटिंग वगैरह करने के बाद हम सफाई करते हैं तो गार्डन काफ़ी अच्छा खिला खिला और साफ़ सुथरा सा नज़र आता है और लगता है कि जैसे वाकई में बाहर आने वाली है चंद दिनों में। देखिए माशाल्लाह ये सरसों के फ्लावर्स कितने प्यारे लग रहे हैं। तो चलें बात करते हैं डॉग फ्लावर्स पे। तो ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत से प्यारे प्यारे से डॉग फ्लावर्स खिले हुए हैं और ये दोनों फ्लावर आज ही खिले हैं। एक ही फ्लावर खिला है बट एक तो अभी बर्ड खिलने के करीब है, जो कि आई थिंक कल को खिल जाएगी। तो ये वाला जो प्लांट है, ये मैं आपको शायद पहले किसी वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये मेरे पास लास्ट ईयर का प्लांट बचा हुआ है और ये उसी प्लांट को मैंने थोड़ा कटिंग करके तो बुशी करने की कोशिश की थी, तो जो कि माशाल्लाह ये देखें इस तरह से ग्रोथ कर रहा है और बहुत प्यारे प्यारे से फ्लावर्स भी खिले हुए हैं और काफ़ी बर्ड्स भी आ रही हैं। और ये वाला पॉट वो है जिसमें मैंने सीडलिंग की थी, ये देखें बेशुमार प्लांट्स निकले हुए हैं इसमें डॉग फ्लावर्स के, और कुछ अनवांटेड सी बूटियां भी निकली हुई हैं मेरा ख्याल है, ये देखें। और इसका जो है ये पीला कलर है। मेरे पास लास्ट ईयर तीन कलर के प्लांट्स थे डॉग फ्लावर्स के, वाइट, ये वाला पिंक और येलो, ये वाला। तो अभी इनमें से एक प्लांट जो है वो फ्लावरिंग तक आ गया है और बाकी देखें कौन से कलर के निकलते हैं। तो आज मैं आपके साथ इनकी ट्रांसप्लांटिंग पे बात करूंगी कि हम सीडिंग को किस तरह से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं जबकि काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाए इस तरह से। प्लांट्स जब इस तरह से कुछ बड़े बड़े हो जाएं तो, क्योंकि मैं जैसा कि आपको बता चुकी हूँ कुछ मसरूफियात की वजह से मैं काफ़ी दिन वीडियोस वगैरह नहीं बना सकी, तो आज मुझे थोड़ा टाइम मिला तो सोचा कि मैं डॉग फ्लावर्स को ट्रांसप्लांट कर लूँ और आपके साथ शेयर भी कर लूँ। तो ये देखें जब इस तरह से प्लांट्स बड़े हो जाते हैं तो इनको हम जब शिफ्ट करते हैं तो मे बी सर्वाइव कर पाएँ या ना पाएँ, तो ऐसे में हमें इनको रूट्स से इस तरह से खींच के डिवाइड नहीं करना इस तरह से। ये देखें, आई थिंक कि आपको मैं दिखा पा रही हूँ, मैंने यूँ पार्टीशन कर ली है इन प्लांट्स की, ये देखें रूट बाउल के साथ इस तरह से। तो अब मैं इनको रूट बाउल के साथ बाहर निकालूंगी और दूसरे पॉट्स में शिफ्ट करूंगी। डॉग फ्लावर्स के इस वाले पॉट को मैंने इस तरह से डिवाइड कर लिया है सारे प्लांट्स को, यूं देखें इस तरह से रूट बाउल के साथ, ये देखें माशाल्लाह प्लांट काफ़ी नीचे से बुशी होना शुरू हो चुके हैं
तो जो बड़ा प्लांट है जो फ्लावरिंग पे आ चुका है उनको उसको मैं इसी प्लांटर में सेट कर रही हूँ। और इसके अलावा मैंने ये दो पॉट लिए हैं, ये वाला 12 इंच का पॉट है जिसमें भर वाली मिट्टी काउडंग कंपोस्ट और सैंड वगैरह मिक्स है, और एक ये वाला छोटा सा प्लांटर लिया है मैंने। तो एक पॉट को मैं इसमें शिफ्ट कर दूंगी इसको सेंटर में रख के, तो यूं साइडों से प्रेस करके आहिस्ता आहिस्ता, बहुत ज़्यादा हार्डली नहीं करना ताकि प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो डैमेज ना हो जाएं। तो इनको हम पानी दे देंगे। तो ऐसे ही इस वाले प्लांटर में शिफ्ट करती हूँ, ये वाले आई थिंक के 3 प्लांट इसमें करूँगी और एक अलग से करूँगी। इस तरह से होल बना के तो हम इसको आहिस्तगी से प्लांट को इसमें रख देंगे और साइडों से मिट्टी इसको डाल के तो सेट कर देंगे। और तीसरा प्लांट भी मैं इसी प्लांटर में शिफ्ट कर रही हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट होता है और बच्चे बड़े सभी इसके साथ खेलना बहुत ही लाइक करते हैं। और इसकी ग्रोथ भी बहुत इजीली हो जाती है, कोई बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती इसकी। और ये देखें, ये देखें, ये बिल्कुल डॉग की तरह से इसका मुंह खुलता है, ये देखें। मेरे हाथों को थोड़ी मिट्टी वगैरह लग रही है काम की वजह से। कुछ तो टाइम नहीं मिला और कुछ पहले जो भी सीडलिंग मैंने आपके साथ शेयर की है वो फ्लावरिंग आने से पहले ही कर दी थी, तो मैंने सोचा ये प्लांट कुछ बड़े हो चुके हैं तो चलें अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जो प्लांट्स फ्लावर्स तक आ जाते हैं बाज़ुकात हम शिफ्ट नहीं कर पाते तो उनको हम किस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो जिस तरह से इस वाले पॉट में रूट बॉल बना हुआ था पूरे का पूरा, इसको उठा के हम किसी भी बड़े 14 इंच के, 20 इंच के गमले में या 16 इंच के गमले में हम ट्रांसप्लांट कर सकते थे, इसका कोई इशू नहीं होता। तो बात हम इसकी केयर वगैरह के मुतालिक करें तो ये चूंकि सर्दियों का फूल है, बट मेरे पास तो इस साल इस वाले प्लांट ने तकरीबन मई जून तक, सॉरी जून जुलाई तक बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग की है और बहुत प्यारा लगता है ये खिला हुआ। और जब इसकी मिट्टी सूखे तो पानी डाल दें, और आप इसको कोई सी भी कंपोस्ट डाल दें, काउडंग कंपोस्ट डाल दें, वर्मी कंपोस्ट डाल दें, या जो किचन वेस्ट से बनी हुई होती है वो डाल दें। और अगर केमिकल यूज़ करते हैं तो उसमें आप DAP यूज़ कर सकते हैं, NPK कर सकते हैं, या जो भी अवेलेबल हो, लेकिन हमेशा कोई भी फर्टिलाइज़र आपने यूज़ करना हो तो उसके लिए क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि ओवर फर्टिलाइज होने की वजह से प्लांट्स बहुत जल्द डेड होना शुरू हो जाते हैं। और सर्दियों का प्लांट होने की वजह से हम इसको आजकल तो फुल धूप में रखेंगे, लेकिन जैसे ही अप्रैल का मंथ शुरू होगा, क्योंकि अप्रैल में काफ़ी गर्मी होना शुरू हो जाती है, तो ऐसे में हम इसको इस ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे ऊपर नेट वगैरह हो, या सुबह की इसको 3-4 घंटे की धूप मिले, उसके बाद इस पे शेड आ जाए, तो ये प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। तो ये एक प्लांट मेरे पास बच गया है, इसको फिर मैं कहीं और शिफ्ट कर दूंगी। तो अब टाइम है इनको पानी देने का, तो चलिए इनको पानी देते हैं। ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियोस फ़ौरन आप तक पहुंच सकें। तो अल्लाह हाफिज़।